नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपने पाइवट टेबल तो सब लोगों ने यूज किया होगा। पाइवट टेबल जब आप यूज करते हो तो उसमें बहुत सारे आप कंडीशन डाल देते हो, बहुत सारे आप उसमें रिपोर्ट में फिल्टर डाल देते हो, तो फिल्टर डालने के बाद आपको कभी कभी फिल्टर वाइज जो डेटा है वो डेटा आपको कॉपी करना पड़ता है, मतलब वो आपको कभी कभी यूज करना होता है। तो दोस्तों आप क्या करते हो कि वो जाके डायरेक्टली कॉपी करके जहाँ पे चाहिए वहां पे आप पेस्ट करते हो, या फिर जो शीट वाइज हर एक शीट वाइज जैसे जैसे फिल्टर लगा के वो डेटा जो है वो कॉपी करके आप अलग अलग शीट में पेस्ट कर देते हो। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि आप ये जो काम है ये मैन्युअली करने से आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, वो कैसे करना है। चलिए दोस्तों आज देखेंगे रिपोर्ट फिल्टर वाइज पेजेस कैसे जनरेट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। आपके सामने ये कुछ डेटा है, लगभग इसमें 65 रिकॉर्ड्स है और 65 रिकॉर्ड में से हमें देखे तो यहाँ पे डेट है, रीजन है, प्रोडक्ट है, सेल क्वांटिटी है एंड अमाउंट है। तो सबसे पहले मैं डेट फॉर्मेट जो है वो डेट फॉर्मेट इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट डेट। ओके चलो हो गया, इसको हम थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं। चलो बॉर्डर भी हो गया। अभी मेरा जो डेटा है वो डेटा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और इसको हम अभी पिवट टेबल इंसर्ट कर देते हैं। तो मेरा टेबल रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया और न्यू वर्कशीट के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है ये डेटा पिवट टेबल जो है वो इंसर्ट करेंगे। इसलिए मैं न्यू वर्कशीट सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा पिवट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे मेरे जो भी टेबल में फील्ड है सीरियल नंबर, डेट, रीजन, प्रोडक्ट, सेल क्वांटिटी, अमाउंट, ये जो है वो फील्ड अपने राइट साइड में आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है कि जैसे आपको रिपोर्ट बनाना है, प्योर टेबल में रिपोर्ट बनाना है, तो वो रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये जो फील्ड है ये फील्ड रो कॉलम वैल्यूज एंड फिल्टर में आपको ड्रैग करना है। बस अभी मुझे बनाना है कि प्रोडक्ट वाइज सेल कितना हुआ है और उसका अमाउंट कितना है, तो मैं ये प्रोडक्ट रोज में डाल देता हूँ। ये देखो रोज यहाँ पे आ गया। प्रोडक्ट का सेल क्वांटिटी कितना है वो मैं वैल्यू में डाल देता हूँ ताकि यहाँ पे वो सम आ गया। ये देखो यहाँ पे अगर मुझे सम करना है तो यहाँ पे मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे सम कर देता हूँ ताकि हर एक प्रोडक्ट में अमेजोन का जितना भी सेल क्वांटिटी है उसका मुझे यहाँ पे टोटल जो सम है वो यहाँ पे आ गया। ओके उसके बाद मुझे अमाउंट निकालना है तो इसके लिए मैं अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पे, तो अमाउंट भी आ गया। बस अभी इसको फॉर्मेट करते हैं, नंबर फॉर्मेट करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। बस हो गया अपना रिपोर्ट। इसको हम थोड़ा टेबुलर व्यूज में भी दे देते हैं तो भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट मेरा आ गया, सेल क्वांटिटी आ गया और सेल अमाउंट आ गया। ओके सो अभी अपने पास जो डेटा है इसमें से हम प्रोडक्ट वाइज सेल क्वांटिटी कितना है वो निकाल रहे, सम अमाउंट जो है वो भी निकाल रहे। अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि अगर सपोज मेरे पास ईस्ट रीजन है तो ईस्ट रीजन में कितना अमेजोन का क्वांटिटी सेल हुआ है या फिर कितना मुझे वहां से रेवेन्यू मिला है वो देखना है। तो मुझे क्या करना है कि ये जो रीजन है ये रीजन मुझे फिल्टर में डालना है। फिल्टर में जब मैं डालूंगा तभी यहाँ पे देखो मेरे फिल्टर में ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, ईस्ट को मुझे देखना है तो ईस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो अमेजन का इतना क्वांटिटी सेल हुआ है और इतना अमाउंट जो है वो वहां से मिला है। तो ऐसे हम ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट जैसे आपको चाहिए वैसे आप डेटा इसमें से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर लगा के वो देख सकते हो। अगर सपोज आपको मल्टीपल डेटा देखना है तो सपोज वेस्ट एंड ईस्ट देखना है तो यहाँ पे आप वो भी सिलेक्ट करके वो दोनों क्राइटेरिया मिला के आप यहाँ पे उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपको सिंगल सिम, कभी कभी क्या होता है कि सिंगल सिंगल जो क्राइटेरिया है उसको हमें कॉपी करके जहाँ दूसरे किसी प्रेजेंटेशन में या फिर कहाँ पे किसी को भेजना रहेगा या फिर कुछ भी आपको काम रहेगा तो आप वो कॉपी कर दे। तो जैसे कि मैंने कंट्रोल सी यूज किया और यहाँ पे मैंने वो
पेस्ट किया, ये देखो मेरे पास ईस्ट रीजन का जो डेटा है वो मेरे पास आ गया, ये देखो। ओके, अभी ये अगर डेटा जो है यहाँ पे जो मैंने फिल्टर लगाया है, ये फिल्टर का वैल्यू अभी 4 ही है, टोटल वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे 4 ही है। अगर यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया बढ़ जाता है, तभी आपको कॉपी पेस्ट करने के ऑप्शन, कॉपी पेस्ट करने का जो ऑप्शन है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए ये कॉपी पेस्ट करने में बहुत आपको तकलीफ होती है, या फिर ये जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये डेटा एक्सट्रैक्ट आपको करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों आज मैं वही बताने वाला हूँ कि आप ये जो डेटा है वो शीट एक्सेल में शीट वाइज कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जितने भी फिल्टर हमने लगाया है वो फिल्टर के हिसाब से आप ये जो डेटा है वो आप पेजेस में जनरेट कर सकते हो या फिर आप शीट में जनरेट कर सकते हो। कैसे करना है, तो एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद ऑप्शन यहाँ पे देखो, पीओ टेबल के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तभी आपको एनालाइज एंड डिजाइन के ऊपर, डिजाइन दो टैब एडिशनल टैब मिलेंगे, उसमें से हम एनालाइज के ऊपर जाएंगे। एनालाइज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो पीओ टेबल का नाम आता है। सपोज हमने यहाँ पे लिखा सेल रिकॉर्ड्स, ऑफकोर्स सेल रिकॉर्ड्स के बाद आपके टेबल का नाम हो गया सेल रिकॉर्ड्स, पीओ टेबल का नाम हो गया सेल रिकॉर्ड्स। ओके, सेल रिकॉर्ड्स में के नीचे देखो यहाँ पे देखो शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आपके पेजेस में जनरेट हो जाएगा, मल्टीपल पेजेस में जनरेट हो जाएगा। जो भी आपने फिल्टर उसमें डाला है वो फिल्टर के हेडिंग से वो शीट का नाम बनेगा और जो हर एक शीट में वो फिल्टर वाइज डेटा आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो विद इन द सेकंड में ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगे, मल्टीपल शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखते हैं जनरेट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने शो रिपोर्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो फिल्टर किसको लगाया हुआ है, शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ रीजन, इसके ऊपर मैं अगर सिलेक्ट करके वो ओके कर देता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट चारों रिपोर्ट जो है वो मेरे पास अभी जनरेट हो गए। ऐसे आपके पास अगर कोई डेटा रहेगा और उसको आपने अगर फिल्टर लगाया होगा और उसका आपको अगर इंडिविजुअल शीट में डेटा निकालना है तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आपको पीओ टेबल में फिल्टर पेजेस कैसे जनरेट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपकी लाइक एक लाइक हमें बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं और आपको ऐसे बहुत सारे नए वीडियोस लाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।